हिंदी सीखिए ओम नाम के साथ। दिल थाम लो दोस्तों, आज हम ढूंढेंगे कैंडी का पेड़। पर ये ओम नाम कहाँ है? हेलो ओम नाम, कैसे हो तुम? क्या सोच रहे हो, कहाँ हो तुम? हाँ, तुम हो एक रेगिस्तान में। हाँ, वो क्या है? ये है कैंडी बीन मशीन। अब आएगा मजा। क्या हम एक ले ले? देखो, एक सोने का सिक्का। इसे मशीन में डालकर कैंडी ले लो। पर याद रखना, तुमने कल कैंडी खाई थी, इसलिए आज कैंडी मिलेगी ओम नैली को। ये आ गई तुम्हारी कैंडी। ज्यादा मत सोचो, बस एक ही कैंडी मिलेगी। अरे संभल कर ओम नोम, याद है ना, आज ओम नैली की बारी है। और क्योंकि सोने का सिक्का भी ओम नैली का ही था, इसलिए कैंडी भी उसी की हुई। अरे नहीं ओम नोम, ऐसा मत करो, तुम तो उसके दोस्त हो ना, ये कैंडी उसे ही लेने दो। अरे नहीं, ये कैंडी कहाँ जा रही है? अरे कोई रोको उसे, जल्दी भागो ओम नोम और ओम नैली, पकड़ो उसे, जल्दी करो, तेज भागो और तेज। अरे ये तो गड्ढे में गिर गयी। पर देखो इसमें तो कुछ उग रहा है, ये भला क्या हो सकता है ओम नोम? हाँ, ये एक कैंडी बीन का पेड़ हो सकता है। आइडिया अच्छा है ओम नोम, शाबाश। पानी डालने से पौधे जल्दी बड़े होते हैं। थोड़ा और पानी डालो, थोड़ा और डालो, थोड़ा सा और, बहुत बढ़िया। पर ध्यान से ओम नोम। अरे चलो कोई बात नहीं। देखो ओम नोम, ये कितना बड़ा और ऊंचा कैंडी बीन का पेड़ है। और तुम्हें कैंडी लेने के लिए इस पेड़ पर चढ़ना होगा। तुम ये कर सकते हो ओम नोम, कम से कम अपनी दोस्त ओम नैली के लिए तो कर सकते हो। बहुत अच्छे, कूदो कूदो, ऊपर चढ़ो और ऊपर, बस थोड़ा सा रह गया। देखा, अब तुम पहुंच गए। नहीं रुको ओम नोम, तुम्हें तो ये ओम नैली को देनी है ना, याद है ना, वो सोने का सिक्का उसी का था। चलो ओम नैली को कैंडी दे दो। बहुत अच्छे ओम नोम, तुम एक सच्चे दोस्त हो, क्योंकि सच्चे दोस्त हमेशा दोस्त की खुशी का ख्याल रखते हैं। अरे ये क्या अजीब सी चीज है, देखने में तो अंडा लग रहा है, पर ये अंडा ऐसे कूद कूद कर जा कहाँ रहा है? अंडा तो ठीक है, पर ओम नोम कहाँ है? ये देखो, नाम लिया और ओम नोम हाजिर। ओम नोम जरा ये अंडे को तो देखो, जरा इसे हाथ तो लगाओ। अरे ये हाथ लगाते ही बड़ा कैसे हो गया? अरे ओम नोम, तुम इस पर चढ़ क्यों गए? और देखो ये तो बढ़ता ही जा रहा है। उप्स, देखा तुम गिर गए। अरे कहाँ जा रहे हो ओम नोम? अंडे में से अंडा? अरे क्या है भाई फंडा? सबसे बड़ा, बड़ा, छोटा, सबसे छोटा, ये है इनके आकार। आप देखिए सबसे बड़े अंडे में क्या है, ब्रोकली। अब बारी है बड़े अंडे की, इसमें है एक बैंगन। अब देखेंगे छोटे अंडे में क्या है, इसमें से निकली मूली। और सबसे छोटे अंडे में है शिमला मिर्च। और ओम नोम को सब्जियां खाना बहुत अच्छा लगता है, तो ओम नोम तुम ये सब सब्जियां खा सकते हो। बाय बाय। सीखिए शेप्स यानी आकार ओम नोम के साथ। देखो यहाँ कितनी सारी चीजें रखी हुई हैं ओम नोम। ये है कैंची, लाल कैंची। कैंची से पेपर काट कर क्या बनाने वाले हो? पेपर के तीन कोने। अब तुम इसका क्या करोगे ओम नोम? अरे तुम्हें गोंद की क्या जरूरत है? लगता है ये बोतल खाली है, इसे हिलाकर तो देखो, शायद कुछ निकले। अरे तुम बोतल को कुछ ज्यादा ही हिला रहे हो, संभल कर। शाबाश, सारा गोंद पेपर पर ही गिरा। अब समझ आया, तुम्हें तीन कोनों वाला पेपर चिपकाना था, अब इसमें नीला रंग भर रहे हो। नहीं ये अच्छा नहीं है, चले दूसरा रंग ले। कौन सा रंग ले? हाँ चलो हरा रंग लेते हैं। हाँ हाँ रंग भरो, और ये बन गया हरा ट्रायंगल यानी त्रिकोण। हम त्रिकोण कहाँ देखते हैं? सही कहा, पिज्जा के स्लाइस में और पार्टी वाली टोपी में। अब तुम इस कैंची से क्या काट रहे हो ओम नोम? तुमने पेपर गोल काट दिया, इसे भी गोंद से पेपर पर चिपका दो।
और अब भरेंगे इसमें पीला रंग। शाबाश, ये है एक सर्कल यानी वृत्त। हमें कौन सी चीजें वृत्ताकार की दिखती है? हाँ, कैंडी वृत्ताकार की होती है और घड़ी भी। अब हम कौन सा आकार बनाएगा? इसके हैं चार कोने। इसे मैं गोंद से चिपका दूं ओमनोम और इसमें भर दो सुंदर नीला रंग। बहुत अच्छे, ये बन गया एक स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग हमें किसमें दिखता है? बिस्किट में और सैंडविच में। वाह ओमनोम, तुमने तो आकार सीखना मजेदार बना दिया। आज ये चमक चमक के कहां चले ओमनोम? अरे वाह, इतनी सारी सब्जियाँ। एक आइडिया आया, चलो खेलते हैं कौन पिएगा सब्जियों का जूस। है तो बच्चों और बच्चियों, खेल शुरू होता है। आपको इसका कलर गेस करना है। सही जवाब पर अंडा फूटेगा और हमें पता चलेगा कि ये क्या है। जी हाँ, इसका रंग है हरा। और ये है एक ब्रोकली। तालियां। और इसी के साथ दूसरा सवाल, गेस कीजिए इसका रंग। बिल्कुल सही जवाब, इसका रंग है बैंगनी। और ये है एक बैंगन। बैंगन का भरता। इसी के साथ तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये कौन सा रंग है? क्या बात है, ये भी सही, नारंगी। गाजर। इसे देखकर तो गाजर के हलवे की याद आ गई। और इसी के साथ अगला सवाल, इसका रंग गेस कीजिए। बिल्कुल सही, लाल रंग। और ये है एक टमाटर। और इसी बात पर तालियां, आप जीत गए। अब आपको मिलेगा इन सबका मजेदार जूस। तो मिक्स वेज जूस तैयार है। और लीजिए, मेहमान भी आ गए। ओमनेली को जूस लगा जबरदस्त और ओमनोम है हमारा मस्त। और तेरी, ये लाल रंग की फुटबॉल नीचे से कैसे निकली? और तेरी, एक और निकली नीली। अरे, एक और निकली ऑरेंज कलर की। एक और आ गई ग्रीन कलर की। अरे भाई, कोई रोको इनको, वरना दुनिया में फुटबॉल ही फुटबॉल होगी। अरे अरे, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। जमीन से फुटबॉल निकल रही है और बिना पेड़ के सेब लटक रहा है। ओमनोम जी आ गए हैं, अब यही बताएंगे कुछ। ओमनोम जी, ये सब क्या हो रहा है? अरे, ये क्या कर रहे हो? ये क्या बताएंगे, इन्हें तो हर वक्त खाने की सूची रहती है। ओमनोम जी जल्दी आओ, ब्लूबेरी भी आ गई, और पेट पूजा कर लो। आज तो ओमनोम जी की चांदी हो गई है। ऑरेंज यानी संतरा भी आ गया। आज लगता है किस्मत मेहरबान है ओमनोम जी पर। दौड़ लगा के हैया। ये लो, पेड़ यानी नाशपाती भी आ गया। आ जाओ, नाशपाती की भी दावत उड़ा लो। खेल खत्म, सारे फल हजम। चलिए सीखे संख्याएं समुद्र के बीच ओमनोम और समुद्री जीवों के साथ। ये केकड़ा तुम्हारा दोस्त है। चलो ओमनोम, संख्याएं शुरू करते हैं। ये है एक, एक बड़ी शार्क। एक, दो, दो जेलीफिश। चलो ओमनोम, और गहराई में चलते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। एक, दो, तीन, तीन स्वॉर्डफिश। आगे क्या है? एक, दो, तीन, चार, चार स्टारफिश।
अरे वाह, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच स्टिंगरेज। वाह, समंदर के अंदर की दुनिया कितनी खूबसूरत है ओम नॉम। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः केकड़े। देखते हैं आगे क्या है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात समुंदरी घोड़े। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ गोल्डफिश। कितनी प्यारी है ये गोल्डफिश। चलो चलो आगे चले। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नौ कछुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, दस झींगे। समुद्री जीवों से मिलकर अच्छा लगा। प्यारी भेड़ कहाँ हो तुम? बा, बा, कैसे हो तुम? भेड़ करे बा। प्यारी चूजे कहाँ हो तुम? क्लक क्लक। कैसे हो तुम? चिकन करे क्लक। प्यारी बत्तख कहाँ हो तुम? क्वाक क्वाक। कैसे हो तुम? बतक करे क्वाक। प्यारी गाय कहाँ हो तुम? मू मू। कैसे हो तुम? गाय करे मू। प्यारे घोड़े कहाँ हो तुम? ने ने। कैसे हो तुम? घोड़ा करे ने। अरे नहीं, इतनी देर में बस आई और वो भी ऐसी। अब क्या करोगे ओम नॉम? इस बेरंग बस का ना है कोई ढंग और ओम नॉम भरेगा इसमें अब रंग। ये है सुपर नॉम। तो हमारी ये बस होगी पीली। अब बारी है टायर्स की। गुलाबी रंग तो ओमनेली का फेवरेट है। अरे अभी हॉर्न भी तो बाकी है। आहा, हॉर्न तो लाल रंग का ही होना चाहिए। दरवाजे हरे भरे। खिड़कियां करती है नीली। तो तैयार है रंग बिरंगी बस में रंग बिरंगा ओम नॉम। बाय बाय। नीले सुपनम कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ मैं कैसे हो तुम? हरे सुपनम कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ मैं कैसे हो तुम? गुलाबी सुपनम कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ मैं कैसे हो तुम? पीले सुपनम कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ मैं कैसे हो तुम? लाल सुपनम कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ मैं कैसे
कैसे हो तुम? कमा के ओम नॉम्स सुपर नॉम्स, कहाँ हो तुम? यहाँ है हम, यहाँ है हम, कैसे हो तुम? अरे ओमनो, कैसे हो तुम? तो आज हम क्या करने वाले हैं? ओ यहाँ ओमनो, और देखो इसमें क्या है। सोच क्या रहे हो, खोल कर देखो। वाह, ये तो केक है। तुम्हें केक बहुत पसंद है ना? लेकिन ओमनो, तुम ये नहीं खा सकती, क्योंकि ये सेहत के लिए हेल्दी नहीं होता। कोई बात नहीं ओमनो, चलो देखते हैं अब क्या है। यह सेब, लाल लाल मजेदार मीठा मीठा सेब। ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसे हम बाद में खाएंगे। अभी इसे हेल्दी टोकरी में डाल देते हैं। अब देखते हैं क्या निकलता है। जल्दी से ढक्कन हटाओ। ये है चीज बर्गर। ओह, मुझे चीज बर्गर बहुत पसंद है, लेकिन ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है ओमनोम। तो इसे भी रख देते हैं अनहेल्दी टोकरी में। चलो फिर से देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसमें है ब्रोकली। एक मजेदार बात ओमनोम, इसका रंग भी तुम्हारे जैसा ही है। देखो, ब्रोकली बिल्कुल प्यारा छोटा सा हरा पेड़ लगती है, और ये हेल्दी भी है। हाँ देखिए अब हमारे पास क्या है। अरे वाह, ये तो पिज्जा है। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। वैसे तो ये इटालियन डिश बहुत टेस्टी है, पर ये हेल्दी नहीं है। तो सॉरी ओमनोम, इसे भी जाना होगा अनहेल्दी टोकरी में। ठीक है, एक और बचा है पालक। पता है ओमनोम, पालक तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसका रंग भी तुम्हारे जैसा ही है, हरा, और हरा रंग होता है हेल्दी। तो अब सोच कर बताओ ओमनोम, हमें क्या खाना चाहिए? अनहेल्दी, हेल्दी, अनहेल्दी, हेल्दी। शाबाश ओमनोम, हेल्दी खाओ और सेहत बनाओ। कैसे हो ओमनोम, कहाँ जा रहे हो? तुम कुछ खोए खोए से लग रहे हो। देखो, ये एक पेंसिल है, लेकिन ये पेंसिल तो कोई चित्र बना रही है। क्या ये हवाई जहाज है या फिर सुपरमैन? ये है एक चिड़िया। बहुत अच्छे, देखो इसका रंग पीला और गुलाबी है। अरे ये तो उड़ गई। पता है चिड़ियों को आसमान में ऊंचा उड़ना बहुत पसंद है, और वो पेड़ की ऊंची डालियों पर घोंसला बनाकर रहती है, जो उनका घर होता है। तो ओमनोम, चलो अब आगे चले, तेज भागो ओमनोम। अरे ये तो वही पेंसिल है, इस बार ये क्या बना रही है? ये तो एक गोला और त्रिकोण लग रहा है। ओ, ये डायनासोर है। नहीं नहीं, चूजा है। अरे नहीं ओमनोम, ये तो एक मछली है। मछली पानी में रहती है, और इन्हें नदियों और समुंदरों में तैरना बहुत अच्छा लगता है। ओ, संभल कर ओमनोम, देखिए अब पेंसिल क्या बना रही है। ये है फूल। नहीं, ये तो सूरज लग रहा है, पर इसकी तो चार टांगे हैं, और यहाँ एक सांप भी है। नहीं नहीं, ध्यान से देखते हैं। अरे ये तो एक बड़ा सा शेर है। ध्यान से ओमनोम, इसके ज्यादा पास मत जाना, कहीं ये तुम्हें ही अपना शिकार न बना ले। शेर होता है जंगल का राजा, और ये गुफा में रहता है, जिसे मांड भी कहा जाता है। अरे नहीं, ये कितनी जोर से दहाड़ा, इसकी दहाड़ बहुत ही खतरनाक होती है। देखो ओमनोम, ये क्या है? चलो चलो जल्दी करो, यहाँ से निकलो, कहीं शेर ना आ जाए। ओमनोम, तुम उड़ते हुए कितने प्यारे लग रहे हो। बाय बाय। ये क्या है, और ये लुढ़क कर जा कहाँ रही है? अरे ओमनोम भी आ गया। कैसे हो ओमनोम? हाँ, ये कैंडी है। पता है कैंडी खाकर तुम्हें बहुत खुशी होती है ओमनोम। अगर तुम खुश हो तो बजाओ ओमनोम ताली। अरे ये क्या हो गया, कैंडी ओमनोम से दूर क्यों जा रही है? अरे कैंडी तो उछल रही है। अरे कैंडी छलांग लगाकर ऊपर पहुंच गई। वाह ओमनोम, तुमने भी अच्छी छलांग लगाई, संभल कर। अरे नहीं, कोई बात नहीं, दूसरी तरफ से कोशिश करो और छलांग लगाओ। कैंडी तो और ऊपर चली गई, तुम भी जाओ। बहुत बढ़िया। ओहो, कैंडी तो फिर से दूर चली गई। अब तुम क्या करोगे ओमनोम? गुस्सा। अगर आए तुम्हें गुस्सा, करो गिनती 1 से 10 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गुस्सा भाग गया ना? अगर दुखी हो तुम, पोछो अपने आंसू। दुखी मत हो ओमनोम, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। अरे ये क्या हो रहा है? देखो ओमनोम, कैंडी तो अपने आप तुम्हारे पास आ रही है। अगर खुश हो तुम तो खा लो ये एक कैंडी। खा लो कैंडी। आई
स्वागत कीजिए महान जादूगर ओम नोम का। ये अपने जादू से दुनिया को हैरान कर देते हैं। ऐसा जादू आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। ये देखिए, इन्होंने मुंह से निकाला फूला हुआ गुब्बारा। पर ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और अब इस खाली टोपी में से निकला एक अंडा, और ये अंडा फूटा और इसमें से निकला चूजा। इसका रंग है पीला। तुम तो कमाल के जादूगर हो ओम नोम। अरे ये तो तुम्हें चोट मार रहा है, इसे गायब कर दो ओम नोम। और चूजा हो गया गायब। तालियां तालियां तालियां। अब जादूगर ओम नोम इस ट्रॉली पर अपना जादू दिखाएंगे। इस ट्रॉली में कुछ नहीं है। आबरा कडाबरा, एक दो तीन। आ गया एक और चूजा जिसका रंग है लाल। अभी जादू बाकी है, एक दो तीन। और लाल चूजा हो गया हरा, एक दो तीन। और अब ये हरा चूजा बन गया गुलाबी। बहुत खूब जादूगर ओम नोम। अब जादूगर ओम नोम पेश करेंगे अपना तीसरा जादू। लेकिन इस तीसरे जादू में क्या होगा? वाह, ये तो ओम नोम की जादुई टोपी है। अब इसके साथ ओम नोम क्या करने वाला है? अरे ओम नोम से दूर क्यों भाग रही है? नाराज मत हो, टोपी को पकड़ो, देखो क्या माजरा है। अरे इसमें तो एक नीला चूजा है। ये चूजा तो जादूगर ओम नोम की टोपी लेकर फुर हो गया। और यहाँ तो नीले, लाल, हरे, गुलाबी, पीले सभी रंग के चूजे हैं। पकड़ो इन्हें। अरे बापरे, कितनी डरावनी जगह है। क्या हो रहा है यहाँ ओम नोम? देखो वहाँ कुछ मजेदार खाना है। पर रुको, ये कौन है? ये कपकेक कहाँ ले जा रहा है और करना क्या चाहता है? क्या ये इसे उबलती हुई हरी चीज में डालेगा? अरे ये क्या है? इस कपकेक के तो हाथ है, पैर भी। अरे ये तो एक मॉन्स्टर है। शांत हो जाओ ओम नोम। देखो ये फिर से कुछ ले जा रहा है, पर ये तो एक मजेदार कैंडी लगती है। अब ये क्या करेगा? अरे नहीं, बाप रे, ये तो एक भूत बन गया। देख कर ओम नोम, तुमने तो खिड़की खोल दी। अब ये क्या करेगा? ओह, ये तो आखिरी लाल कैंडी भी ले जा रहा है। अरे नहीं, क्या ये इसे भी डाल देगा? पता नहीं अब कौन सी डरावनी चीज निकलेगी। ओह, ये तो जैक-ओ-लैंटर्न है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है ओम नोम, अब हम क्या करेंगे? तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया हम यहाँ हैं? लगता तो नहीं है। और अब ये क्या बनाने वाला है? ओ नहीं, अब ये कौन है? हैप्पी हैलोवीन। अरे ये तो अपना ओम नोम है। तुम नहीं सुधरोगे ओम नोम। अरे ये क्या है? क्या ये आइसक्रीम कोन है? हाँ देखो ओम नोम, कितने बड़े आइसक्रीम कोन हैं। मतलब हम आइसक्रीम खाने वाले हैं? अरे नहीं रुको, ये तो आइसक्रीम नहीं लग रही। ये क्या है? ओह, ये पांच अलग अलग तरह की गेंदे हैं। चलो देखते हैं कौन सी गेंद किस खेल की है। सबसे पहले ये गुलाबी गेंद। वाह, क्या स्टाइल से किक मारी केकड़ा जी। और ये हो गया गोल। तो ये है एक फुटबॉल। चलो देखते हैं ये हरी गेंद कौन सी खेल की है। ओम नोम और ओमनेली तो पहले ही टेनिस मैच खेलने के लिए तैयार है। क्या बात है ओम नोम? तो ये थी टेनिस बॉल। वाह देखो ये कितनी सुंदर सफेद गेंद है। लेकिन ये कौन से खेल में इस्तेमाल होती है? हाँ इससे गोल्फ खेलते हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। तो ये थी एक गोल्फ बॉल। अब है बारी चौथी गेंद की। चलो देखे इससे कौन सा खेल खेला जाता है। हाँ हाँ भागो ओम नोम और पकड़ लो उस गेंद को। अच्छा तो ये है एक बास्केट बॉल। शाबाश ओम नोम। आखिरी गेंद से तो ओम नोम अपने दोस्त के साथ वॉलीबॉल खेल रहा है। तो हमारी आखिरी गेंद है वॉलीबॉल। तो गेंदों के बारे में सीख के मजा आया ना? बाय बाय। आइसक्रीम? अरे वाह, इसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। जब आइसक्रीम इतनी बड़ी हो तो खाने में कितना मजा आएगा। लेकिन ज्यादा बड़ी टूट भी सकती है। चलो बड़ी आइसक्रीम का सपना छोड़ो और खाओ ये बहुत छोटी सी आइसक्रीम। लगता है ओम नोम के दिमाग में कुछ चल रहा है।
पर तुम ये अपना रूप क्यों बदल रहे हो? जोकर, शिकारी, सुपरनॉल, पर तुम इस रूप से क्या करोगे? ओह, तो तुमने जादू से बहुत छोटी सी आइसक्रीम को छोटा कर दिया। ओह, तुम्हें और बड़ी आइसक्रीम चाहिए। ये हो गई मध्यम आकार वाली आइसक्रीम। लेकिन ओम नॉम को तो और बड़ी आइसक्रीम चाहिए। और ये हो गई बड़ी। अरे अरे ओम नॉम, इतना लालच ठीक नहीं है। लो, तुमने इसको बना दिया विशाल। अरे अब ये जादू छोड़ो ओम नॉम और देखते हैं हमारे पास कितनी तरह की आइसक्रीम्स हो गई हैं। टाइनी यानी सबसे छोटी, स्मॉल, छोटी, मीडियम, मध्यम, लार्ज, बड़ी, एक्स्ट्रा लार्ज, विशाल। ओम नॉम, शेयर करके खाना चाहिए। ओम नेली से भी शेयर करो। अरे ये क्या, सारी खत्म। के साथ हिंदी सीखें और देखने के लिए सब्सक्राइब करें।